और यहाँ से होती है एंट्री श्रापित विलेज कुलधारा की। जैसे ही शाम होती है यहाँ पे रूहानी ताकतों की आवाज सुनाई देती है, अनजान परछाया, बच्चों के रोने की आवाज। तो आज हम जा रहे हैं कुलधारा विलेज और जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये हमारा तीसरा दिन है, तो पहले दिन यहाँ पे आए, डेजर्ट सफारी कर ली। नेक्स्ट डे हमने टेनोट माता टेम्पल, भारत पाकिस्तान बॉर्डर और लोंगेवाला वो कर लिया, और आज हम जा रहे हैं जैसलमेर, रंगीले राजस्थान का मोस्ट हॉट एंड फेवरेट डेस्टिनेशन। लेट्स गो। हम सम सैंड से यहाँ पे आए और यहाँ पे कुलधारा का बोर्ड है, कुलधारा द श्रापित विलेज, द मोस्ट हंटेड प्लेस इन इंडिया। और ये रास्ता जाएगा जैसलमेर के लिए, वो 13 किलोमीटर है, और कुलधारा का रास्ता यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर है। एंट्री फी पैसेंजर 20 और व्हीकल 50 रुपया। अभी हम पहुंच गए कुलधारा विलेज, द मोस्ट हंटेड प्लेस इन इंडिया। ये है श्रापित गांव। और 200 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था, यहाँ पे लोग बसते थे और यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण बसते थे। देखो ये सब उसके घर, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा डेवलप कर दिया, लेकिन ये घर एकदम बंजर हो गए थे, लेकिन फिलहाल इसको रिनोवेट करके ऐसा बनाया गया है। 200 साल पहले यहाँ पे रियासत थी, उसका एक आदमी था सालम सिंह, जो काफी जुल्मी इंसान था, और यहाँ पे रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। और पालीवाल ब्राह्मण के 84 गांव थे, उसमें से एक गांव ये कुलधारा है। लेकिन सालम सिंह की नजर एक ब्राह्मण की लड़की पे पड़ गई, और सालम सिंह ने कहा कि पूर्णिमा तक अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो वो इस गांव पे हमला कर देगा। तो फिर क्या था, बात आत्मसम्मान की थी। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पे इकट्ठा हुए, चौराहे पे इकट्ठा हुए, और 5000 ब्राह्मणों ने एक साथ रियासत छोड़ने का फैसला किया। और फिर क्या था, अगले ही दिन कुलधारा वीरान हो गया। भी यहाँ पे लोग बसते थे, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, लड़कियां औरतें, बाजार भी हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ बंजर, धूल मिट्टी और टूटे हुए पत्थर। लेकिन ब्राह्मणों ने जाते जाते श्राप दे दिया इस गांव को कि इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। फिर क्या था, 82 गांव बस गए, लेकिन ये गांव कुलधारा आज तक नहीं बस पाया। दिन में सब साधारण है, लेकिन जैसी शाम होती है यहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, चूड़ियों की खन खनती आवाज सुनाई देती है, लगता है कि कोई मेला लगा हो। अनजान परछाइयां यहाँ पे आपको दिखाई देती है। 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिसर्च नहीं हुई। 2013 में दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो भूत प्रेत पे रिसर्च करती है, उसने अपने गोस्ट बॉक्स से यहाँ पे रात बिताई थी। आप नहीं मानोगे, उसने जो ड्रोन लगाया था बावड़ी जो पानी का एक पानी का कुआ रहता है, बावड़ी के ऊपर जैसे ही ड्रोन गया वो गोता लगाता हुआ नीचे आ गया। और जब शनिवार को सुबह में निकले, आप नहीं मानोगे, उसकी गाड़ी पे छोटे छोटे बच्चों के पंजे थे। जब वो आए तब नॉर्मल था, लेकिन जो गाड़ी के शीशे होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों के पंजे थे।
और यहाँ पे मूवी की भी काफ़ी शूटिंग हुई है, गुप्त मूवी, कच्चे धागे, और भी काफ़ी मूवी है जिसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। और ये मंदिर है, एक ही चीज श्राप मुक्त थी, वो था मंदिर। तो ये था कुलधरा, श्रापित विलेज, रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार।